हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वॉरेन बफेट साहब के इम्पोर्टेंट कोट्स। तो फ्रेंड्स, इनका जो पहले कोट है, ये बोलते हैं कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि जो आपकी रिस्क आती है वो इसकी वजह से आती है क्योंकि आपको नहीं पता है आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो फेमस सेकंड कोट है फ्रेंड्स, उसका नाम है नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसी किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसको आप नहीं समझते हैं। फ्रेंड्स, इनकी सिंपल सिंपल कोट आपको बहुत लर्निंग दे सकती हैं एंड काफ़ी आपके पैसे सेव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कृपया मेरे साथ चैनल में बने रहें एंड अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको कोर्सेज कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपको इन्वॉल्व करने का एंड काफ़ी उसके साथ रिलेटेड जानकारी देने का। एंड फ्रेंड्स, हर मेरी वीडियो से यही कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो उनकी जो एक फेमस कोट है वो है, इफ रिटर्न्स आर गोइंग टू बी 7 और 8% एंड यू आर पेइंग 1% फॉर फीस, दैट मेक्स एन एनॉर्मस डिफरेंस इन हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू हैव इन रिटायरमेंट। सिंपली फ्रेंड्स, इस मैसेज का एक है कि आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके आप चार्जेस पे करने का, ठीक है। तो आप खुद से इन्वेस्टिंग कीजिए एंड हो सके जितने एडिशनल फीस आप पे रहे हैं उससे बचिए। फ्रेंड्स, देन इनकी अगली कोट है, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ वंडरफुल कंपनी द एनिमी ऑफ मेडिक्योर कंपनी। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि टाइम है जो फ्रेंड है जो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं उनके लिए एंड जो बेकार कंपनियां हैं जो परफॉर्म नहीं करती हैं उनके लिए ये अच्छी नहीं है, ठीक है। देन इनकी अब नेक्स्ट कोट क्या है, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जरूर आप ध्यान दें और इसके बारे में पढ़ें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है फ्रेंड्स कि प्राइस से रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं कि आप किसी भी स्टॉक के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं वो कम से कम पे करें एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में और जाने फ्रेंड्स आप गूगल कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना करके ला सकता हूँ गाइज आपके लिए। देन फ्रेंड्स, इनकी कोट और भी हैं, मैं उनके बारे में और बताना चाहता हूँ गाइज कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। फ्रेंड्स, प्राइस को हम इंडियंस बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड जब हम स्टॉक में परचेज करने जाते हैं तो हम कुछ भी परचेज कर लेते हैं जनरली। तो फ्रेंड्स, अगर हम नीचे अगर कुछ हम फल वाले सब्जी वाले से या फिर कुछ कहीं पे भी राशन शॉप या किसी भी मार्केट में कपड़े की दुकान में जा रहे हो तो बार्गेनिंग जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब स्टॉक मार्केट में आए तो वहाँ पे बार्गेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कभी कभी खराब चीज़ें या खराब वैल्यूएशन की स्टॉक्स आपको महंगी पड़ सकती हैं गाइज। तो इनकी छोटी छोटी कोट है, उसको बस बहुत ध्यान दीजिए, आपको ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी एंड प्लीज बने रहिए। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी अगली कोट है, देखिए क्या फंटास्टिक कोट है, इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलो। अगर आपने फ्रेंड्स एक अच्छे स्टॉक पिक करी है तो बने रहिए, अगर वो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसकी है जो मार्केट में, अगर फॉर एग्जांपल कि वो एक प्रोडक्ट बनाती है फ्रेंड्स, कोई कंपनी है एंड वो प्रोडक्ट की सेल अच्छी है मार्केट में एंड उसमें मार्जिन अच्छी है एंड उसमें सभी चीज़ें अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, उसको रन कराने के मूड में है, देन डेफिनेटली फ्रेंड्स उसकी जो है प्राइजेस बढ़ेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टिंग के रूल्स पे एंड इन्वेस्टिंग को सीखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे लॉन्ग टाइम में पैसे बना सकते हैं गाइस। फॉर द इन्वेस्टर अ टू हाई परचेज प्राइस और फॉर द स्टॉक ऑफ एन एक्सीलेंट कंपनी कैन अंडू द इफेक्ट ऑफ ए सब्सिक्वेंट डेकेड ऑफ फेवरेबल बिजनेस डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अगर कोई कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है बट आपने क्या करा, आपने उसको पहले ही अच्छे बहुत ज़्यादा हाई परचेज पे प्राइस पे परचेज कर लिया है तो इतने दिनों की कंपनी की मेहनत खराब हो जाएगी आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी महंगा खरीद रखा है, ठीक है गाइस। तो उनकी 9 पॉइंट है कि ऑल देयर इज टू इन्वेस्टिंग इज पिकिंग गुड स्टॉक एट ए गुड टाइम एंड स्टेइंग देम एज लॉन्ग एज
दे रिमेन गुड कंपनी, जब तक वो कंपनी अच्छी बनी है, जब तक वो प्रॉफिट बना रही है, या फिर जब तक उसकी फंडामेंटल मैं कहूँ कि बेटर है फ्रेंड्स, जब तक आप उस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है गाइस, आप इस इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। एंड 10 का, आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक अ मनी फ्रॉम द स्टॉक, आई बाय ऑन द अजम्पशन दैट दे कुड क्लोज द मार्केट द नेक्स्ट डे एंड नॉट री ओपन इट फॉर 5 डेज। ये फ्रेंड सिंपली ये है कहना चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करें, आप शॉर्ट टर्म के लिए ना परचेज करें, तभी आप मार्केट से पैसे बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरी सभी वीडियो को देखिए। थैंक यू।